हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे लिटरी फॉर्म्स के पार्ट फोर में। इसके पहले वाली वीडियो जिसपे हमने सोनेट, एलजी और ओट पे बात की है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको अगर समस्या है तो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम आपके सामने नए टॉपिक लाए हैं, सटायर। हमारे बहुत से बच्चे पूछ रहे सर सटायर वीडियो बनाइए। ठीक, इस सटायर वाली वीडियोस पे हम पूरे सटायर पे डिस्कस करेंगे। आइए हम चलते हैं सटायर पे लेके और उसकी आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि इसमें सटायर क्या होती है, पैरोडी क्या होती है। ठीक, इन चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। आइए हम चलते हैं सटायर पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट इज़ सटायर, बेसिकली सटायर क्या होता है, आइए इसके पढ़ते हैं। यूजिंग ए वैरायटी ऑफ मेथड टू मेक समथिंग लुक फूलिश और सिली इन ऑर्डर टू पॉइंट आउट फॉल्ट और इन ऑर्डर टू सीक सोशल चेंजेस। बेसिकली देखिए, जो सटायर होता है ये वैरायटी ऑफ मेथड होता है, जो फूलिश किसी को मजाक उड़ाया जाता है किसी के साथ रिडिकुलस वे में, और इसको ऑर्डर टू पॉइंट आउट क्या करता है, उनकी गलतियों की तरफ इशारा करता है कि इन ऑर्डर टू सीक और सोशल चेंज के बदलाव के लिए। अगर हम इसकी डिफिनेशन पे बात करें तो ये तो सटायर पे हो गई। अब देखिए क्या डिफिनेशन है, ए लिटरी वर्क दैट रिडिकल्स इट्स सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू मेक ए कमेंट और क्रिटिसिज्म अबाउट इट। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से दीजिएगा। ए लिटरी वर्क होता है किसी पे का हास उड़ाता है कमेंट और क्रिटिसिज्म करने के लिए। ऑल दो सटायर इज यूजुअली विटी विटी होता है एंड ऑफन वेरी फनी, द पर्पज ऑफ सटायर इज द क्रिटिसाइज ऑर्डर टू सेम समवन और समथिंग इन टू रिफॉर्म। यह इसलिए किया जाता है कि उसमें सुधार किया जा सके। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सटायर यूजुअली हैज डिफिनिट टारगेट विच मे बी पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल एंड आइडिया और एटीट्यूड एंड इंस्टीट्यूशन और सोशल प्रैक्टिसेस। जैसे कि आप देख रखते हैं, एक किसी टारगेट करता है किसी पीपल का ग्रुप ऑफ आइडिया को। आइए अब हम इसके एलिमेंट पे बात करते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे सर सटायर पैरोडी क्या है। बेसिकली क्या होता है, पैरोडी सटायर का ही एलिमेंट होता है, टाइप ऑफ सटायर होता है। ए कॉमन टाइप ऑफ सटायर इज़ ए पैरोडी। ए पैरोडी इज़ ए फॉर्म ऑफ सटायर डैट इमिटेट अनदर वर्क इन ऑर्डर टू रिडिकल्स। यह किसी दूसरे के कार्य का इमिटेशन होता है, उसे हुबहू नकल होती है, इसे उसके मजाकिए ढंग से, जैसे मिमिक्री हम करते हैं किसी राइटर के किसी को हंसाने के लिए, तो वो होता है पैरोडी। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, द कोलबर्ट रॉबर्ट इज ए पैरोडी बिकॉज ही इट इमिटेट अदर टास्क सो इन ऑर्डर टू मेक फन ऑफ देम। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इमिटेशन होते किसी के शो को नकल करके या कोलबर्ट हंसाने की कोशिश करता है, बेसिकली ये पैरोडी होता है। ठीक, पैरोडी। अब इसमें अगर ज़्यादा आपको अंतर समझना है तो आइए आप लेके चलते हैं सटायर और पैरोडी में क्या अंतर होता है। पैरोडी की डिफिनेशन मैंने आपको बताई दी, वर्क ऑफ द इमिटेशन अदर वर्क इन ऑर्डर टू रिडिकल्स आयरनिकल कमेंट और पोक समवन अफेक्शन फन एंड वर्क इटसेल्फ टू अदर ऑथर और द जेनर इटसेल्फ। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे की इमिटेशन होती है। अब देखिए सटायर क्या होता है, कंसिडर टू द डार्कन इन नेचर। इसको इम्पोर्टेंट नोट करिएगा कि अगर एग्जाम में पूछता है सटायर और पैरोडी में अंतर, तो देखिए कंसिडर टू बी डार्कन इन नेचर, ए डार्क साइड को सटायर अपेयर करता है, राइट में लाता है लाइट में। अब पैरोडी क्या करती है, कंसिडर टू बी लाइटर साइड इन द नेचर। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए अब हम टाइप्स ऑफ सटायर पे बात करते हैं कि सटायर कितने प्रकार के होते हैं। अभी तो हम इसके सटायर के भाग के बाद में किए, अब इसके टाइप्स के बारे में, प्रकार के बारे में बात करते हैं। देयर इज टू टाइप्स ऑफ सटायर, दो प्रकार के सटायर होते हैं, हॉरिशियन सटायर एंड जुवेनाइल सटायर। ठीक, इस सटायर को आप लोग ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के होते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट बना सकते हैं। ठीक, हॉरिशियन सटायर क्या होता है, नेम ऑफ द रोमन सटायरिस्ट होरेक एंड नेम ऑफ द आफ्टर रोमन सटायरिस्ट जुवेनाइल। दोनों रोमन सटायर होते हैं, एक होरेक के नाम पे रखा गया है, जुवेनाइल के नाम पे रखा गया है। ठीक, दूसरा पॉइंट, प्लेफुल क्रिटिसिज्म सम सोशल वाइस थ्रू द जेंटल माइल्ड एंड लाइट हार्टेड ह्यूमर। इसमें हल्के प्रकार का, प्लेफुल प्रकार के, हल्के और जेंटल तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है। अब अगले प्रकार में देखते हैं,
मोर कंटेम्पचुअस एंड एब्जेसिव, मतलब बहुत दबाव देगी। अगला देखते हैं, एग्जाजरेशन एंड सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर टूवर्ड्स व्हाट इज आइडेंटिफाई एज फुली रदर देन इविल, यह मजाकिए ढंग से बुरे के प्रभाव को अच्छे से दिखाता है, जिससे होरसियन सटायर की बात करते हैं। और जुबनाइल में क्या, दिस फॉर्म ऑफन पेसिमिस्टिक, या बड़े पेसिमिस्टिक यानी बड़े ही निराशावादी, कैरेक्टराइज बाई आयरनी, आयरनी के थ्रू करेक्टराइज करते हैं, सार्केसिज्म, मोरल इंडिगेशन एंड पर्सनल इन्वेक्टिव विथ लेस इम्फेसिस ऑन ह्यूमर, और ह्यूमर पे बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। ठीक, यह वीडियो आज हम सटायर बात किए सटायर पे, और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। और हाँ, यह ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि अगर समय पे कोई मैं वीडियो कर डालूँ तो आपको मिल जाए। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें उसे भी कॉमेंट बॉक्स पर डिमांड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन।